गाइस ये जो दरवाजा है हॉस्पिटल के पीछे का दरवाजा है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। गाइस फाइनली भांजी की डेट फिक्स हो गई है, 29 सितंबर को है और फिलहाल हम हॉस्पिटल में हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हॉस्पिटल में क्यों हैं, तो गाइस कल हम आए भांजी के लिए शॉपिंग करने के लिए और भाभी के लिए मेडिसिन लेनी थी। तो गाइस हम सोचे कि पहले हम मेडिसिन ले लेंगे फिर उसके बाद हम जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। गाइस हम आए थे दवा लेने के लिए, तो हमने सोचा भाभी को मैम को भी हम दिखा देते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैम बता देंगी। तो हम गाइस हमने मैम को दिखाया और मैम तुरंत हमको ये बताई कि पहले आप इनको ले जाइए, अल्ट्रासाउंड कराइए। तो गाइस हमको एक मैम ने हमको स्लिप दिया था कि आप जाइए इस हॉस्पिटल। तो गाइस हम गए थे वहाँ पे हॉस्पिटल में और वहाँ गाइस अल्ट्रासाउंड हुआ और गाइस अल्ट्रासाउंड में ये आया कि जो बच्चा पेट में है उसका धड़कन नहीं चल रहा है। तो गाइस हम लोग बिल्कुल वहाँ शॉक्ड हो गए थे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। हम लोग यार नॉर्मली आए थे मेडिसिन लेने के लिए और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, भांजी की शादी होने वाली है। हम लोग गाइस बिल्कुल खुश थे और अचानक से क्या हो गया। तो वहाँ से हम लोग गाइस तुरंत आए थे मैम के पास। मैम को हमने ये सब सारी चीज़ हमने दिखाई और रिकॉर्ड भी जो था अल्ट्रासाउंड हुआ था वो हमने दिखाया। मैम को हमने दिखाया तो मैम कह रही है कि ऐसा है, जो पेट में बच्चा है वो बच्चा है नहीं, उसका धड़कन रुक गया है। तो हम लोग गाइस बिल्कुल डर गए थे यार। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग क्या करें। मैम हमको दो ऑप्शन बताई थी। पहला ऑप्शन ये था कि या तो आपको ऑपरेशन करानी पड़ेगी और दूसरा ऑप्शन ये था कि आपको यहाँ से 60 किलोमीटर जाना पड़ेगा गोरखपुर, आपको अगर नॉर्मल करानी है तो। गाइस हमने सोचा यार यहाँ से अगर जाएंगे गोरखपुर बच्चा पेट में है नहीं तो इनको दिक्कत होगी। तो गाइस हमने डिसाइड किया कैसा है आप ऑपरेशन करिए। तो गाइस हमने मैम से कहा कि मैम आप ऑपरेशन करिए, इनको शेप करिए, बच्चा तो है नहीं, भाभी शेप रहेंगी तो फिर ठीक रहेगा। तो हमने गाइस कहा ऑपरेशन करिए, तो गाइस मैम ने ऑपरेशन कर दी और गाइस तभी से हम लोग इसी में हैं। और रात में गाइस हम बिल्कुल नहीं सोए हैं और इसलिए गाइस हम कल ब्लॉग भी नहीं बना पाए थे। और इस समय गाइस कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यार, और हम हॉस्पिटल में हैं और उधर भांजी की डेट भी फिक्स हो गई है, 29 सितंबर को है। और गाइस बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, उधर भी देखना है और इधर भी देखना है। तो गाइस दोनों को मेंटेन करेंगे, देखेंगे जैसा होगा। और कल जो हम ब्लॉग बनाए थे गाइस बिल्कुल छोटा बनाए थे, दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो गया था और फिर यार दिमाग काम नहीं कर रहा था कि गाइस हम क्या करें, तो इसलिए यही सब हुआ था। और भाभी अभी हॉस्पिटल में ही हैं और आप देख सकते हैं कि हम हॉस्पिटल में ही हैं। रात में गाइस रात भर हम नहीं सोए हैं, हमने नॉर्मली आया था मेडिसिन लेने के लिए और क्या हो गया और अचानक से गाइस ये सब हुआ। गाइस कार जो है ना हमने वहाँ पार्क की हुई है और गाइस ऑपरेशन हुआ है तो यार कम से कम एक हफ्ता तो हमको हॉस्पिटल में ही रहना है। तो देखेंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और उधर भांजी की भी शादी भी डेट फिक्स हो गई है और उधर भी देखना है इधर भी देखना है, दोनों तरफ गाइस हमको देखना है। तो देखते हैं उसी में मेंटेन करेंगे दोनों, इधर भी और उधर भी, न्योता ये सब देना लेना ये सब है और भी काम है काफ़ी। तो देखते हैं क्या होता है। गाइस हम क्या ले जा रहे हैं इसमें है, इसमें पकौड़ी है। और हॉस्पिटल में ना यार कुछ खाने का वैसे मन नहीं करता है, तो सिंपल तो यार तीखा भी का खा लेते हैं थोड़ा बहुत, जैसे पकौड़ी हो गया भुजा हो गया यही चीज़ें हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं पकौड़ी है तो खाते हैं अंदर जाके जहाँ अपना प्राइवेट रूम है। गाइस हम जिसमें हैं ये अपना P1 प्राइवेट रूम है ये अपना, तो इसके हम अंदर चलते हैं P1। गाइस हॉस्पिटल के पीछे का ये दरवाजा देखिए और यहाँ से जो व्यू है ना बहुत जबरदस्त आ रहा है, इसको हम खोलते हैं। वाह ये देखिए गाइस कितना मस्त लग रहा है यार, बिल्कुल हरियाली और बारिश हो रही है हल्की हल्की और कितना मस्त लग रहा है, ठंडा ठंडा यार। हाँ यार गाइस कितना मस्त हवा आ रहा है यार, ओहो बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस ये जो दरवाजा है हॉस्पिटल के पीछे का दरवाजा है और यहाँ से हम बाहर भी जा सकते हैं। ये देखिए कितना मस्त यहाँ से रोड भी निकला हुआ है और इधर गन्ने भी हैं, मस्त यार वाह। तो इसको हम बंद कर देते हैं, बारिश आ रही है और हवा भी बह रहा है तो वाह। सो आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।